कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्वा कर्मणि। किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। कुछ तो करोगे ही, या भोजन करोगे या नहीं करोगे, या भूखे को भोजन करवाओगे या नहीं करवाओगे, या युद्ध करोगे या नहीं करोगे। तुम्हारे पास तो केवल यही विकल्प है कि तुम क्या करो या क्या ना करो, परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ। कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पर समाप्त हो जाती है कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम अपनी कामनाएं त्याग दो, अपने व्यक्तिगत अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ, सुख दुख से परे होकर अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाओ पार्थ। तो ना तुम्हें दुख की अग्नि जला सकेगी और ना सुख की वर्षा तुम्हें भिगा सकेगी। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और हे कुंती पुत्र, तुम्हारा यह मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। तनिक सोचो पार्थ कि जिसके पास बुद्धि ही ना होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है? वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता, और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता वो भला कैसे सुखी हो सकता है?